शिक्षा विभाग भले ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के दावे करता आया हो, लेकिन पौड़ी में हालात ठीक इसके उलट है। यहाँ नैनी डाडा विकास खंड के हल्दूखाल का राजकीय प्राथमिक विद्यालय और संकुल संसाधन केंद्र दोनों जीर्ण शीर्ण हालात में है। 7 साल बीत जाने के बाद शिक्षा विभाग ने जंजर भवन की हालात सुधारने की किसी ने कोशिश नहीं की। आलम यह है कि जीर्ण शीर्ण छत के नीचे ही ननिहाल जान हथेली में लेकर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। मामले की शिकायत कई बार संकुल प्रभारी से भी की गई है, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं आ गया। वहीं अब मामला प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष रखा गया, जिस पर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल और संकुल संसाधन केंद्र की हालात जल्द सुधारने का आश्वासन दिया है। पौड़ी से मुकेश पचेती की रिपोर्ट। हमारी स्कूल की जिंदगी खराब हो रखी है, जगह जगह से टूट रखे हैं। हमें डर रहता है कि हमारे पढ़ने से मिट्टी विट्टी गिर जाएगी, पत्थर वत्थर गिर जाएगी। उसको जल्द से जल्द सही कर जाए। कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक जी से भी मैंने कहा था, विधायक जी ने भी 2 लाख रुपए दिए थे, वो किसी के खाते में दिए, उनने बोला पूरा नहीं हो रहा। तो हमने, हमारे हाथ में होता तो हम कुछ करते, विद्यालय के लिए कुछ नहीं कर पाए हम। हमने पौड़ी के सीओ साहब की मीटिंग में भी कहा, जवानंद भारद्वाज जी थे, मैं उनसे मिला, हमें संकुल प्रभारी के तौर पर बुलाया था, मैं गया था, परंतु कोई सुनवाई नहीं, पता नहीं क्या बात है। जैसे कि आपने भी बताया, तो आपके बताने के संज्ञान के क्रम में मैंने द्वारा दूरभाष पर जो वहाँ के उप शिक्षा अधिकारी, उनसे वार्ता की गई है, उनके द्वारा स्वयं अवगत कराया गया है कि उन्होंने RWD को उसके आंगन बनाने के लिए निर्देशित किया गया है कि वो आंगन उसके उपलब्ध करा दें, और मैं भी स्वयं भी RWD से संबंध में बात करूंगा। मैं इस संबंध में एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा जो पौड़ी के लिए कार्यदायी संस्था को RWD को नामित किया गया, जितने भी हमारे जनशन भवन हैं या कोई विद्यालय ऐसे हैं जो पूरी तरह निष्प्रिय जो होने हैं नई तरीके से, उनके सबके आंगन बनाने के लिए हमें जितने भी ब्लॉक्स हैं सबको निर्देशित किया गया। उसे कुछ आंगन हमें प्राप्त हुए हैं जिसकी संकलित सूची हम लगातार हम निदेशालय को भेज रहे हैं, और शासन के स्तर पर कई विद्यालयों को धनराशि स्वीकृत भी हुई है।